आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट होता है. आइसोबार में सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है. आइसिकली एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ क्रेस्ट. अगर ये ऊपर वाला पार्ट आप ले रहे हो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, तो ये ऊपर वाला पार्ट आपका, मतलब ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज योर क्रेस्ट. तो ये जो हाइट है इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. या तो आप, तो ये जो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका EMR था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स एक्सप्लेन नहीं कर पा. हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू टुडेज सेशन. दिस इज निकिता मैम, योर निकी मैम, केमिस्ट्री मास्टर टीचर ह्योर एट वेदांतु. आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया और अच्छा गया होगा. आज हम रुद्रा का लेक्चर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कंटिन्यू करने वाले हैं. तो प्रीवियस सेशन में मैंने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस किए हैं. वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी टिल लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है, कि रदरफोर्ड जो है ही इज़ क्रेडिटेड कि हाँ उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, लेकिन यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स थे जो उन्होंने बेसिकली फॉलो नहीं किए थे, आई मीन उनके मॉडल ने फॉलो नहीं किए थे. ही एक्चुअली सेड कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी पे भी कुछ कमेंट नहीं किया था, किस पर्टिकुलर शेल की कितनी एनर्जी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बोला गया था. ऑल्सो जो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी है जो मैक्सवेल ने दिया है, अकॉर्डिंग टू इट अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो इन फिक्स सर्कुलर पाथ, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करता है और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी और वो एटम बेसिकली न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस पे जा गिरेगा, जिस वजह से एटम कोलैप्स हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो ये कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स थे जो कि बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड. तो इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पहले पढ़ेंगे, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन यू हैव ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो सब हम कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले क्विकली रिकैप कर लेते हैं. ये आपका NCERT में दिया गया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं. ये एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट होता है. आइसोबार में सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है. आइसोटोन्स ऐसे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है. ठीक है, इसमें एक नया टर्म अगर आपको पता चल रहा होगा, दिस इज योर आइसोडायोस्फीयर्स. आइसोडायोस्फीयर्स को समझने के लिए बिफोर आई रीड द डेफिनेशन, यहाँ दो एग्जाम्पल है. यूरेनियम लिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर है 238. ठीक है, थोरियम ये आपका 234 वाला है. ठीक है, दिस इज 234 और 90. ठीक है, ये जो नीचे वैल्यू आपको दी गई है ये आपका कहलाता है एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रल एटम के केस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है. तो मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ प्रोटॉन भी 92 है, यहाँ पे प्रोटॉन आपका 90 है, और ये वैल्यू है किसकी? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की. तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स फर्स्ट वाले केस में 238 है, यहाँ पे मुझे प्रोटॉन की वैल्यू पता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, 238 माइनस 92, तो ये आपका आएगा 146 के अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में से मैं ये नंबर ऑफ अगेन प्रोटॉन्स माइनस कर सकती हूँ, दैट विल गिव यू 54, है ना? हाँ, दिस विल गिव मी 54. तो यहाँ पे भी इसी तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा 234 माइनस 90, तो ये आपका आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 144 के अराउंड. 144 से माइनस अगेन फिर आप 90 करोगे तो ये आएगा आपका 54. तो देखो इसमें जो डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का, दैट इज इक्वल्स टू सेम, तो इसको हम कहते हैं आइसोडायोस्फीयर्स, जिसमें डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होता है? सेम होता है. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को हम आइसोडायोस्फीयर्स कहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जैक्टली क्या होता है. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं, दीज आर द रेडिएशन इन विच बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एसोसिएटेड. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप कह लो ऐसे रेडिएशन होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. तो मैग्नेट आपको पता है ऑलरेडी,
राइट. सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट जो है किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा. सिमिलरली जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके अराउंड वो जो जगह घेरता है जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो एरिया है, जो रीजन है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो वहाँ पे वो फोर्स, अगर कोई पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल चार्ज पार्टिकल कोई मैंने लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझा रही हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे जो एरिया होगा, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे एंटर करना चाहेगा तो इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है. अगर आपने नेगेटिव पार्टिकल लिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगा. तो ये पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन, ये आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. दूसरा मैग्नेटिक फील्ड मैंने डिस्कस किया हुआ है. नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं. एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, और दोनों का मिश्रण जो देखोगे वो आपका इस डायरेक्शन में जो जा रहा है, दैट गिव्स द मिक्सचर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऊपर वाला ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो जो दोनों एक साथ ऐसे मूव करके आगे जा रहे हैं, कंपोनेंट कंबाइंड, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि इन द फॉर्म ऑफ वेव्स क्या हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं. ना कुछ ऐसे सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं जो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कहते हैं, अफेक्ट करते हैं. पहला आपका है वेवलेंथ, ये सब हम डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. एम्पलीट्यूड भी होता है, ठीक है. अब इसमें आपका सबसे पहला है वेवलेंथ. तो वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, दैट इज कॉल्ड एज योर वेवलेंथ. सो बेसिकली जो आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेव बनाया है इस तरीके से, ठीक है. तो जो आपका ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज योर क्रेस्ट, नीचे वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ, ठीक है. अब क्या होता है वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ. सो बेसिकली वो आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, उसी को ही हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं. और भाई इसको बेसिकली आप इसका ऐसा यूनिट यूज कर सकते हो एज नैनोमीटर, पीकोमीटर, ठीक है. नैनोमीटर, पीकोमीटर हो गया, या फिर एंगस्ट्रॉन्ग हो गया. 1 नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर, ठीक है. 1 पीकोमीटर होता है 10^-12 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10^-10 मीटर, ठीक है. तो ये होता है वेवलेंथ. नेक्स्ट आपका है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू से. तो ये बेसिकली बताता है कितने नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड बन रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. कितने नंबर ऑफ साइकिल्स बन रहे हैं पर सेकंड, उसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, व्हिच इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड. इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, या फिर आप लिख सकते हो सेकंड इनवर्स, ठीक है. चलो, सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक चीज और, नंबर ऑफ साइकिल, तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1, 2, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक ले रही हूँ, सो 1, 2, 3, तो कितने साइकिल बन रहे हैं, टोटल 3. तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हर्ट्ज़. तो कितने नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड में बन रहे हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट आपका है एम्पलीट्यूड, जो कि वहाँ पे मिसिंग था. सो बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ क्रेस्ट. अगर ये ऊपर वाला पार्ट आप ले रहे हो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, तो ये ऊपर वाला पार्ट आपका, मतलब ये वाला पार्ट जो है, दैट इज कॉल्ड एज योर क्रेस्ट. तो ये जो हाइट है, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. या तो आप ले लो हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रो, ठीक है. हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है. नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन सेकंड. सो वेलोसिटी होती है द डिस्टेंस व्हिच इज ट्रैवल्ड बाय वेव इन सेकंड, या फिर ये वाले केस में ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, एंड इसका जो वी का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3×10^8 मीटर पर सेकंड. दैट इज द वैल्यू व्हिच इज टेकन, ठीक है. अब यहाँ पे सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये होता है रिलेशनशिप, ठीक है. सी आपका क्या है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आपका है वेलोसिटी ऑफ लाइट.
दिस इज न्यू जो कि है आपका फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल जो कि फॉर्म होता है पर सेकेंड. दिस लैम्डा इज योर वेवलेंथ. ठीक है, नेक्स्ट आपका है वेव नंबर. वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, और बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, दैट इज इक्वल टू 1/λ. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशन. ठीक है, तो ये आपका है कुछ पैरामीटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं. पैरामीटर्स पे एज इन यू कैन से इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. नाउ जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें दोनों कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों. ठीक है, नाउ ये हमने डिस्कस कर लिया है वेव नंबर से रिलेटेड. नाउ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू EMR विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो जो आपका इलेक्ट्रिक The oscillating electric and magnetic fields produced by oscillating charged particles are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of wave. जैसा कि मैंने first point में बोला था, जो यहाँ electromagnetic radiation में क्या होता है, आपका electric field का भी component है, magnetic field का भी component है. Electric field का component ऊपर की तरफ है, इस साइड पे है, दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड. और जो यहाँ पे आपका एक साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव्स बन रहे हैं, दिस इज द ट्रैवलिंग डायरेक्शन. तो ये बेसिकली म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है आगे, सो बेसिकली आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है इन द EMR, ये होते हैं परपेंडिकुलर. और ये दोनों होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव जो कि इस साइड है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा, अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, जो आपका EMR है, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम. सो जैसे कि आपका मैकेनिकल वेव्स हो गया है ना, या आपके साउंड वेव्स हो गया, सो इनको क्या हो चाहिए, इनको एक मीडियम चाहिए जिसकी मदद से वो ट्रैवल कर सके और आप तक पहुंच सके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स जो हैं, साउंड फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर ड्रम के पास पहुंचना चाहिए, तभी आपको फिर सुनाई देती है चीज़ें. सिमिलरली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, राइट. ये वैक्यूम में भी, फ्री स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जो कि कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि गामा रेज हो गए, जैसे कि आप एक्सरे कराने जाते हो हॉस्पिटल में, राइट. तो ये जो आपके डिफरेंट यू नो रेज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग, ये डिफर करते हैं एक दूसरे से, काफ़ी अलग है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी. और इनको जब हम अरेंज करते हैं तो एक बड़ा सुंदर सा स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ EMRs हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है, और डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अलग अलग यूनिट्स हैं ऑल्सो. जब आप अरेंजमेंट देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, दिस इज हाउ इट लुक्स. ठीक है, मैंने जैसे बोला अलग अलग आपके यहाँ पे ऑलरेडी EMR हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो कि आपका स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहा है. जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे गामा रेज हैं, उसके बाद एक्स रेज हैं, यूवी रेज, IR, UV और IR के बीच में जो स्पेक्ट्रम है, दैट इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम, और यही आपका स्पेक्ट्रम है विच कैन बी सीन, राइट. IR है इंफ्रारेड माइक्रोवेव, फिर आपके रेडियो वेव्स हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये फर्स्ट वाला पार्ट, अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो जितने भी यहाँ पे रेज अरेंज हैं ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, राइट, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है गामा रेज की, है ना. फिर अब धीरे 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 कम होती जा रही है लॉन्ग रेडियो वेव्स तक आते तक, इट इज 10^0 जो कि है 1. तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू की वैल्यू किसकी है, गामा रेज की है. ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली अगर आपको पता हो क्या है, E=hν जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे. ऑल्सो अगर आपने वेवलेंथ यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा है आपकी गामा रेज की. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टूवर्ड्स राइट से लेके इधर जाऊं, है ना, फ्रॉम गामा रेज इफ आई एम मूविंग टिल लॉन्ग रेडियो वेव्स, तो ये जो बेसिकली अरेंज्ड है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बैलेंस, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा C=μλ. ठीक है, तो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ
एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बात की C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो न्यू जो है फ्रीक्वेंसी जो है और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, मतलब कि अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, है ना। तो सबसे यहाँ पे देखो इसकी जो है गामा रेस की फ्रीक्वेंसी है 10^24, उसका आपका वेवलेंथ कितना है 10^-16, है ना। उसके बाद आता है आपका इसमें एक्सरेस का देख लो 10^18, तो इसका वेवलेंथ कितना है 10^-10। तो इस तरीके से जो सारे आपके रेडिएशन अरेंज हैं इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या आप कह लो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, जो कि एक सुंदर सा जिसमें रेज अरेंज हैं EMR के, वो बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो रेंज आपको विजिबल है 400 से 700 वाला रेंज, 400 से 700 वाला नैनोमीटर वाला रेंज, वो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, जैसे कि कंटिन्यू अगर डिफरेंट कलर्स, जैसे कि वेबग्योर में है ना रेनबो आप देखते हो, तो कंटिन्यू कलर्स हैं, उसमें कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आता, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, सबसे पहली बात विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स व्हेन वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय प्रिज्म, ये बेसिकली आपने ऑलरेडी देखा होगा। सो बेसिकली जो आपका वाइट लाइट होता है ना, वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट रहता है, उसमें बहुत सारे कलर्स ऑलरेडी मिक्सड अप हैं, ठीक है। वी कैन सी ओनली द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेनबो इज इट्स क्लियर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में भी कराया गया होगा, कि अगर वाइट सनलाइट को बेसिकली आप वाइट लाइट जो है उसको प्रिज्म से पास कराओगे, तो वो एक्चुअली टूट जाता है इनटू विबग्योर, है ना। अब ये जो विबग्योर का जो 7 कलर आपको दिख रहा है, जैसे कि पहले वायलेट, वायलेट खत्म हो रहा है तो तुरंत इंडिगो स्टार्ट हो जा रहा है, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर वायलेट कलर है, ठीक है, वायलेट कलर है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे अरेंज्ड है, तो वायलेट जैसे जैसे खत्म हो रहा है तुरंत उसमें इंडिगो आ रहा है, ठीक है। वैसे जैसे इंडिगो खत्म हो रहा है तुरंत तुरंत फिर ब्लू आ रहा है, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे दो कलर्स के बीच में। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को ना हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे जो कलर्स हैं वो कंटिन्यू है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ब्लू लाइट से, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, देखना ब्लू लाइट ऊपर ऊपर जा रहे हो, फिर तुरंत उसके बाद क्या आ जा रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो एक लकीर नहीं खींची गई है जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओ कलर्स के बीच में, तो ऐसे टाइप के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यू स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। रेनबो भी उसी का एग्जाम्पल है ना। इसमें एक चीज़ जो पढ़ेंगे हम, जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रम, तो लाइन स्पेक्ट्रम में ना आप डिफरेंशिएट कर सकते हो लाइन्स के फॉर्मेट में, तो आपको डिफरेंस अगर कलर है तो भी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से वर्ड से समझ में आ रहा होगा, कोई पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम जो है वो पर्टिकुलर एटम जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये आपका स्पेक्ट्रम होता है रेडिएशन का, दैट इज एमिटेड बाय सब्सटेंस विच हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने लाइट पास कराई, ठीक है, वाइट लाइट पास कराई, तो ये एटम्स भी शो कर सकते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आपने वाइट लाइट पास कराई, तो बेसिकली वायलेट विबग्योर जो है मेरे पास, तो क्या किया उस पर्टिकुलर एटम ने ये सारे कलर्स को ब्रेक डाउन कर दिया, डिफ्रैक्शन जब आपने कराया, लेकिन उसने येल्लो कलर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कहलाता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। देखो यहाँ पे जो कलर्स हैं आपको एक के बाद एक, तुरंत तुरंत अगर कोई एक कलर खत्म हो रहा है तो दूसरा आ जा रहा है, ठीक है। दूसरा एक और प्रकार का स्पेक्ट्रम बनता है, वो आपका कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम, कि भाई अगर उसने येलो लाइट एब्जॉर्ब करी है, ठीक है, अब वो फॉर एग्जांपल वो ग्राउंड स्टेट में था, अब उसने ये पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो चला गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर एग्जांपल, है ना। तो अब इससे बेसिकली वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये ऊपर चला गया, है ना। अब इसके पास इसको कोई मिला नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये क्या करता है, उसने जिस पर्टिकुलर लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसी को ही वो एमिट करके वापस इट कम्स बैक। तो उस केस में बनता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका होता है
फर्स्ट वाला इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देन इज योर एमिशन स्पेक्ट्रम. तो एमिशन स्पेक्ट्रम में आपके लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं. लाइन स्पेक्ट्रम में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन कलर्स. इन द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, चलो नाउ जो नेक्स्ट चीज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कि हाँ भाई उसमें सिर्फ वेव नेचर होता है, अभी तक हमने पढ़ा हुआ है. लेकिन जो वेव थ्योरी है उसके कुछ सेट ऑफ लिमिटेशंस थे, तो ये जो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका EMR था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया. और ये तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर की जरूरत थी. पार्टिकल नेचर मतलब कि लेटर ऐसा बोला गया था कि जो हमारा EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके दो पार्ट होते हैं. एक तो उसका होता है वेव नेचर और दूसरा होता है उसके पास पार्टिकल नेचर भी. ठीक है, और ये कुछ सेट ऑफ प्रोसेस या फिर इफेक्ट कह लो, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि आपका कहलाता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह लो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर जितनी उसने एब्जॉर्ब करी वो एमिट भी कर देता है, और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स. ये सब को एक्सप्लेन करने के लिए ना पार्टिकल नेचर की ज़रूरत पड़ी. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वेव थ्योरी की, हाँ भाई EMR जो है उनको एक प्रॉपर मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वो सिर्फ वेव की तरह यू नो ऐसे आगे बढ़ते हैं. एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. लेकिन लेटर इट वॉज फाउंड बाय साइंटिस्ट कि जो आपके EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें वेव नेचर तो होता है प्लस पार्टिकल नेचर भी होता है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब EMR यानी कि लाइट मेटल के सरफेस पे पड़ रहा है. अब मेटल को ही क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि मेटल्स आपके होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, वो दानी होते हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है EMR यानी कि एनर्जी पड़ रही है सरफेस पे. ठीक है, एनर्जी पड़ रही है सरफेस पे. द मोमेंट वो पर्टिकुलर एनर्जी सरफेस पे पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस है कि भाई अगर आपने एनर्जी दी तो क्या कोई भी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए ना, जो कि जब आप रीच करोगे वो फ्रीक्वेंसी को तभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सरफेस से, वो बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ से निकल के एटलीस्ट सरफेस पे आए, है ना? तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी. जैसे कि आपने पढ़ा होगा इग्निशन टेम्परेचर के बारे में कि भाई मिनिमम टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को चाहिए ही, तभी फिर वो आग लगाएगा, राइट? सिमिलरली जो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो कि आपके मेटल्स को चाहिए ताकि वो इस पर्टिकुलर सरफेस से निकल के यहाँ पे आ जाए. अब इससे ज़्यादा दोगे तो क्या करेगा? यहाँ तक सरफेस पे आ गया, फिर सरफेस से आके फिर वो नाचने गाने लगेगा, मोशन में भी आ सकता है. अब यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से समझो, आपने फ्रीक्वेंसी दी 10 हर्ट्ज की, ठीक है? लेकिन इसका बेसिकली आपका थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज. तो क्या करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इस पर्टिकुलर सरफेस में, 5 हर्ट्ज ये ले लिया, 5 हर्ट्ज लेके यहाँ तक आ गया सरफेस, मतलब इसके ऊपर यहाँ ऊपर आ गया. अब एक्स्ट्रा जो 5 हर्ट्ज है वो क्या करेगा? वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को लेके वो मोशन में आ जाता है. तो यहाँ पे और जो मोशन में आता है पार्टिकल, जो एनर्जी उसमें फिर रहेगी, उसे ही तो हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ठीक है, तो ये पूरी कहानी है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. तो इसमें आपका आता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना? तो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी को आप न्यू नॉट से डिनोट कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं. पहला तो आपका है कि अगर आपने जो फ्रीक्वेंसी दी है ना, जो एनर्जी दी है वो जो है दैट इज लेस देन थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी,
तो क्या इस केस में इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा? क्या इस केस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक की तो फ्रीक्वेंसी मिली ही नहीं, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एनर्जी दी विच इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या होता है, उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली जितनी आपने एनर्जी दी थी वो ले ली, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसने एब्जॉर्ब करके अपने आप को मोशन में लाया, और कोई भी पार्टिकल जब मोशन में होता है उसके पास जो एनर्जी होती है वो कहलाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, जब जो EMR जो आपका लाइट इस पर पड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे हैं उसे हम कहते हैं जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर से एक चीज़ पाई गई कि भाई क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो एनर्जी है फोटोन की दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। जो एनर्जी है यहाँ पे फोटॉन्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के, जो कि कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाओगे यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा जो कि आपका कहलाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में और पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है ना पैकेट्स में निकलती है, जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका है E इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू इज सी बाय लैम्डा, तो ये आपका है E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। सी आपका है स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा वेवलेंथ है, और एच जो है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू है 6.626×10⁻¹⁴ जूल सेकेंड, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर करना कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप याद रखो। तो यहाँ पे बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें क्या क्या हुआ, कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सर्फेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सर्फेस, देर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, सो जब लाइट गिर रही है सरफेस पे तो तुरंत मेटल्स निकलते हैं, कोई टाइम डिफरेंस नहीं आता, कोई टाइम लैग नहीं आता, सो बहुत रैपिड ऐसे यू नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपका कहलाता है क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई टाइम वेस्ट का बात नहीं आता, एज सून एज एनर्जी जो है आपकी जाती है मेटल के सरफेस पे, सून मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मतलब कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट से, ठीक है। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए हर मेटल का एक मिनिमम ना फ्रीक्वेंसी होगा कि मुझे इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए तभी जो इलेक्ट्रॉन्स है मैं दूंगा, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर ईच मेटल देर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे हम न्यू नॉट कहते हैं, ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना उसके पास रेडिएशन गया ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे ही नहीं, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, और जो काइनेटिक एनर्जी है विद वो बढ़ता है विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक सेकेंड, हाँ ये वाला जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको 10 हर्ट्ज और 5 हर्ट्ज वाला, ठीक है, तो ये वो यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट न्यू इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द एक्सेस एनर्जी एच न्यू माइनस एच नॉट इज इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन इज काइनेटिक एनर्जी। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सो बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेटल है, ये मेटल का सरफेस है, मेटल का सरफेस है ये, ठीक है, इससे बेसिकली आपके क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे।
तो इसमें बेसिकली EMR पड़ रही है, लाइट रेडिएशन पड़ रही है, तो फिर एज सून एज इट इज हिटिंग इट, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स देंगे. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ ऊपर आएंगे. अब थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी दी है आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, जितना उनको चाहिए था मिनिमम वो तो वो लेके यहाँ पे ऊपर आ गए, लेकिन एक्स्ट्रा दी है तो वो बेसिकली वो मोशन में आ जाते हैं, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो आपकी टोटल एनर्जी होगी एच न्यू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, है ना, जो कि है आपका थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट, कि भाई इतनी एनर्जी तो मुझे चाहिए, प्लस बाकी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ने यूज़ की और वो क्या आ गया, मोशन में आ गया. और अगर मोशन में है और उसमें जो एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. या फिर आप कह सकते हो अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर लिख देती हूँ, वो हाफ एम वी स्क्वायर वाला टर्म उसको वहीं पे ही रहने दो. तो अगर मैं एच न्यू नॉट को इधर ले जाऊं तो क्या आएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट. न्यू नॉट इज योर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ऑल्सो ये चीज़ वी हैव डिस्कस कि इलेक्ट्रॉन्स जो है तुरंत मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं जब बीम ऑफ लाइट सरफेस पे गिरता है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं टू इंटेंसिटी. आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या कह लो ब्राइटनेस ऑफ लाइट. तो ये आपका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट जो है जो कि पार्टिकल नेचर को अगेन एक्सप्लेन करता है, दैट इज योर ब्लैक बॉडी, आप कह लो हॉट बॉडी रेडिएशन, ठीक है. तो जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी जो EMR की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो हमने पढ़ा है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है एक आइडियल बॉडी है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, बट स्टिल कि इट एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉडी, एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. मतलब कि इसके पास जितने भी रेडिएशन आए, जितनी भी फ्रीक्वेंसी की, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया उसने, ठीक है, और वापस एमिट भी कर देता है, ठीक है, और वो एमिट करता है, उसको हम कहते हैं एमिटेड रेडिएशन. तो एक ऐसा आइडियल बॉडी जो कि एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन सारी फ्रीक्वेंसी की, और वो एमिट भी करता है वो सारे फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन, जिसे हम एमिशन रेडिएशन कहते हैं, वो आपका कहलाता है ब्लैक बॉडी. और सिंस दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर केस सेकेंड पार्ट में ये जो ब्लैक बॉडी है, जितने उसके पास रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किए हैं वो एमिट कर दिया, तो उस रेडिएशन को हम कहते हैं एमिटेड रेडिएशन, ठीक है. तो वेव थ्योरी जो है इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन. मैक्स प्लैंक गेव अ थ्योरी व्हिच इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है. तो EMR जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो सिर्फ कहता है अबाउट द वेव थ्योरी. अब इसके बाद जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने बोला था, ही एक्चुअली टोल्ड कि जब यू नो एनर्जी जो है छोटे छोटे पैकेट्स में निकलते हैं, ठीक है, जो कि है इक्वल्स टू एच न्यू, है ना, छोटे छोटे पैकेट्स में निकलते हैं जिसे हम कहते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी, फोटॉन्स, ठीक है. तो वो जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी विच इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ताकि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है. अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज ओनली. जो अलग अलग क्या एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं इन डिस्क्रीट क्वांटिटी ओनली, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, पैकेट्स में, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से कह लो, आप मार्केट गए हुए हो चॉकलेट खरीदने, ठीक है, तो आपने दुकान वाले को बोला एक चॉकलेट दो, उसने दिया दो चॉकलेट दो, दिया तीन, दिया साढ़े तीन, पौने तीन, ये सब वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करते. सिमिलरली जो डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज, इन पार्टिकल्स, ठीक है, इन छोटे छोटे पैकेट्स में. सो ये जो स्मॉलेस्ट अमाउंट दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसे हम कहते हैं क्वांटम
क्वांटा ऑफ एनर्जी या फोटोन कह लो, ठीक है। और जो आपका एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू न्यू। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन से। फिर यहाँ पर से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आता है E इक्वल्स टू एच न्यू। अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है तो H क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ठीक है। इसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और बाकी चीज़ें आपकी बोर मॉडल हो गया या क्वेश्चंस हो गया, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ लेक्चर 3। आई होप आज का सेशन यूजफुल लगा। अगर कोई बच्चा न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू सून विथ येट अनदर अमेजिंग सेशन। और आपके मिड टर्म की प्रिपरेशन भी स्टार्ट होने वाली हैं। फर्स्ट 5 चैप्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन केमिस्ट्री, सो मेक श्योर करना कि इसके बाद आप सारे सेशंस देखो सारे सब्जेक्ट्स के। सी यू सून विथ येट अमेजिंग सेशन, अनदर अमेजिंग सेशन। बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।